आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। हमें इन टर्म्स को डिफाइन करना है, दैट इज टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। सो पहले, सबसे पहले बात करते हैं टोटल प्रोडक्ट, दैट इज टीपी की। सो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? ये होता है टोटल आउटपुट प्रोड्यूस, टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय वेरिएबल फैक्टर्स। सो वेरिएबल फैक्टर हम एग्जांपल के तौर पे लेबर ले लेते हैं, बिकॉज इजिली हम इनको चेंज कर सकते हैं, उनको हम वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। एंड लेबर हम बहुत इजिली रातों रात नए लेबर को एम्प्लॉय कर सकते हैं। सो टोटल प्रोडक्ट होता है हमारा, जब हम टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं कि उन सब ने मिल के कितना आउटपुट प्रोड्यूस करा, उनको हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सो एग्जाम्पल क्या हो गया, अगर हम कह रहे हैं 10 लेबर ने मिलकर 100 आउटपुट प्रोड्यूस करा, तो इस 100 को कहते हैं टीपी। ठीक है, इसको कहते हैं टीपी। अब बात करते हैं सेकंड की, एवरेज प्रोडक्ट की। सो एवरेज प्रोडक्ट हो जाता है हमारा, एवरेज प्रोडक्ट को एपी बोलते हैं। एवरेज, जैसे ही नाम से पता चला एवरेज, सो इट रेफर टू द, इसको कहते हैं पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, मतलब हर वेरिएबल फैक्टर ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस करा। सो एग्जांपल अगर इसी की तरीके से देखे, यही एग्जांपल था। सो 10 लेबर ने मिलकर 100 आउटपुट प्रोड्यूस करा, सो देयरफॉर पर आउटपुट कितना, पर लेबर ने कितना प्रोड्यूस करा, इसका मतलब 100 अपॉन में 10, टीपी अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट। सो इसका मतलब पर लेबर ने 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करा। सो एपी हो गया मेरा 10। ठीक है, सो एपी बताता है कि पर यूनिट वर्कर ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस करा। थर्ड पे बात करें, सो थर्ड होता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। सो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है हमारा एडिशनल चेंज इन, कितना चेंज आया, एडिशनल चेंज कितना आया, एडिशनल चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। कि जब मैंने एक और लेबर या एक और वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय करा, सो टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया। सो सपोज अगर 11 लेबर आकर सपोज 110 अगर प्रोड्यूस करते, अगर 110 आउटपुट प्रोड्यूस करते 11 लेबर, एंड पहले वो 10 लेबर मिलकर 100 कर रहे थे, सो 11वें के आने की वजह से कितना चेंज आया, 110 का चेंज आया फ्रॉम 100 में से। सो एमपी क्या हो गया मेरा, एमपी हो जाएगा मेरा कितना चेंज आया, 110 माइनस 100 दैट इज 10। सो देयरफॉर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टीपी। टीपी होता है टोटल वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हुआ, एपी होता है पर यूनिट आउटपुट कितना प्रोड्यूस करा उन्होंने, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट होता है जब मैंने एक और एडिशनल उस चीज को एम्प्लॉय करा, तो कितना चेंज आया टीपी में। सो ये होता है हमारी डेफिनेशन ऑफ ईच टर्म्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।